ये बिल्कुल सही बात है। 13 मई को जब शादी मालीवाल जी के साथ ये घटना हुई और उन्होंने बताया तो विश्वास नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री का एक प्राइवेट रखा हुआ व्यक्ति जो किसी कैपेसिटी में नहीं है वो भारत की राज्यसभा की सांसद के साथ ऐसी घटना कर सकता है। लेकिन हुई, स्वाति मालीवाल जी ने कंप्लेंट करी है और वो 75 दिन से जेल में है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बिल्कुल सही तदाद में है कि ऐसे गुंडे ही कर सकते हैं, वरना किस व्यक्ति से किस समय क्या व्यवहार करना है। और खासकर स्वाति मालीवाल जी के स्टेटमेंट को कोर्ट ने कोट करते हुए कहा है कि उन्होंने हमें जो अकेले बताया यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे, यानी स्वाति मालीवाल जी ने इस मामले की गंभीरता को और रखा है कोर्ट के जो हमारे बेंच है उनके सामने ऑनरेबल कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही है। और सही से देखो तो पिछले 9 साल में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने गुंडे ही पाल रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके कार्यकर्ता अपने घर में पत्नियों के साथ, जैसे कि जोनाथ भारती है उनकी आप देख लीजिए, या पहले संदीप के राशन कार्ड के नाम पर जो हुआ है, तो लगातार इनके लोग इस तरह से, दिनेश मोहन जी ने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया था। तो गुंडे टाइप में ये पार्टी है और ये वास्तव में अर्बन एक्सलाइट है।